इस वक्त लाइव आपको ले जाना है अलीगढ़ में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रैली को संबोधित। अलीगढ़ शहर के श्री सारस्वत जी, मेयर शकुंतला भारती जी, श्रीमान भानु प्रताप सिंह, देवराज सिंह, रजनीकांत जी और विशाल संख्या में पधारे हुए अलीगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कल भी उत्तर प्रदेश में था, आज दूसरी बार इस महत्वपूर्ण चुनाव अभियान में आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला है। नरेंद्र और इंद्र दोनों साथ साथ आए, मैं आज अलीगढ़ के लोगों को एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? अलीगढ़ के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ये चुनाव का मौसम है, कहीं आप लोग रूठ जाए तो हमारा क्या होगा? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानोगे? देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मैं स्वयं प्रधानमंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और तब मैं अलीगढ़ आया था, इसी मैदान में आया था, मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैदान आधा भी नहीं भरा था। और आज मैं देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सरकार ने करके दिखाया, जब से आपने मुझे केंद्र में बिठाया है, एक के बाद एक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ये राजनीतिक दल तो पहले भी थे, 2014 के चुनाव में भी थे, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों का गुस्सा अभी जितना नजर आता है, पहले कभी इतना गुस्सा नजर आता था? मोदी पे इतना गुस्सा करते थे? मोदी को इतनी गाली देते थे? ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं। बेईमानों के प्रति उदासीनता रखने वाले, बेईमानों को प्रश्रय देने वाले, गुनहगारी को बढ़ाने वाले या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है?